आदरणीय अध्यक्ष जी, ये 5 वर्ष युवाओं के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कानून भी बने हैं। व्यवस्था में पारदर्शिता लाकर युवाओं को नए मौके दिए गए हैं। पेपर लीक जैसी समस्या जो हमारे युवाओं को चिंतित करती थी, हमने बहुत ही कठोर कानून बनाया है ताकि उनके मन में जो सवाल या निशान था और उनको व्यवस्था के प्रति उनका गुस्सा था, उसको एड्रेस करने का सभी माननीय सांसदों ने देश के युवाओं के मन के भाव को समझ करके बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये बात सही है कि कोई भी मानव जात अनुसंधान के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। उसको नित्य परिवर्तन के लिए अनुसंधान अनिवार्य होते हैं और मानव जात का लाखों साल का इतिहास गवाह है कि हर काल में अनुसंधान होते रहे, जीवन बढ़ता चला गया है, जीवन का विस्तार होता गया है। इस सदन ने विधिवत रूप से कानूनी व्यवस्था खड़ी करके अनुसंधान को प्रोत्साहन देने का बहुत बड़ा काम किया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये कानून आमतौर पर रोजमर्रा की राजनीति की चर्चा का विषय बन नहीं पाता, लेकिन इसके परिणाम बहुत दूरगामी होने वाले हैं और इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम ये 17वीं लोकसभा ने किया है। मुझे पक्का विश्वास है देश की युवा शक्ति में इस व्यवस्था के कारण दुनिया का रिसर्च और का एक हब हमारा देश बन सकता है। हमारे देश की युवा के टैलेंट ऐसी है, आज भी दुनिया की बहुत कंपनियां ऐसी हैं जिनके इनोवेशन के काम आज भी भारत में हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हब बनेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है।